अभी रिसेंटली रियलमी ने बैक टू बैक बहुत सारे स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं और उनमें से तीन स्मार्टफोन हैं रियलमी एक्स, रियलमी 5 प्रो और रियलमी एक्स टी। तो ये जो तीन स्मार्टफोन हैं इनके स्पेसिफिकेशंस भी काफ़ी सिमिलर हैं और प्राइस में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इन तीनों स्मार्टफोन को लेके बहुत सारा डाउट भी है कि आखिर कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए और अपने प्रायोरिटी के हिसाब से कौन सा स्मार्टफोन यहाँ पे आपको लेना चाहिए और कौन सा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करता है। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे और तीनों का कंपैरिजन करके देखते हैं कि तीनों में से कौन सा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी आपको प्रोवाइड करता है और आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से कौन सा फ़ोन आपके लिए बेस्ट है। कोई भी स्मार्टफोन लेने से पहले मेनली हम चार चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। पहला इसका डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी, दूसरा है इसका कैमरा, तीसरा है इसका प्रोसेसर और चौथा है इसका प्राइस। और इन तीनों स्मार्टफोन में से मैं एक यूज कर रहा हूँ, यह है रियलमी का 5 प्रो जो कि मैं पिछले 10 दिनों से यूज कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में मुझे कंपैरिजन करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी क्योंकि मैंने ये यूज किया हुआ है। तो रियलमी एक्स प्लास्टिक बॉडी के साथ में आता है। इसके फ्रंट की तरफ आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा और इसका जो डिस्प्ले है ये है 6.5 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले जो कि एक एमोलेड डिस्प्ले है और इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है। और Realme 5 Pro भी प्लास्टिक बॉडी के साथ में आता है और इसके फ्रंट की तरफ आपको Gorilla Glass 3 Plus का प्रोटेक्शन मिलेगा और इसका जो डिस्प्ले साइज है ये है 6.3 इंच का डिस्प्ले, IPS LCD डिस्प्ले है। और Realme XT में आपको बैक साइड में भी ग्लास बॉडी मिलता है और इसके दोनों साइड में Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन है और इसका जो डिस्प्ले है 6.4 इंच का AMOLED डिस्प्ले है और इसमें भी आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का फीचर मिल जाता है। और तीनों में से अगर देखा जाए तो Realme 5 Pro का प्रोटेक्शन थोड़ा सा कम दिया गया है। यहाँ पे Gorilla Glass 5 होता तो थोड़ा सा बेटर होता, लेकिन इसमें Gorilla Glass 3 Plus है और पिछले 10 दिनों से मैं इसको बिना किसी प्रोटेक्शन के यूज कर रहा हूँ। इसमें कोई भी मैंने टेम्पर्ड ग्लास नहीं लगाया है और अभी तक मुझे कोई भी स्क्रैचेस इसमें देखने को नहीं मिले हैं। तो इन तीनों में से आपको डिस्प्ले क्वालिटी में थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलता है। इसमें IPS LCD डिस्प्ले है, तो IPS LCD डिस्प्ले और AMOLED डिस्प्ले में डिफरेंट ये रहता है कि IPS LCD डिस्प्ले में आपको नेचुरल कलर देखते हैं, आप कोई भी वीडियो या फिर लाइव स्ट्रीमिंग कुछ भी आप देखते हैं तो इसमें थोड़ा सा नेचुरल कलर आता है। और AMOLED डिस्प्ले का फ़ायदा ये रहता है कि उसमें थोड़ा कलर ज़्यादा दिखते हैं, मतलब कलर थोड़ा उभर के आता है। और अगर बात करते हैं इसके कैमरे की तो Realme X में आपको डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, एक 48 मेगापिक्सल का कैमरा सोनी IMX586 सेंसर के साथ जिसका कि एपर्चर है 1.7 प्लस उसमें 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर भी देखने को मिलता है। और अगर बात करें इसके फ्रंट कैमरे की तो फ्रंट की तरफ आपको 16 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलता है और इसका जो सेंसर है ये है सोनी का IMX471 सेंसर जो कि आता है 2.0 एपर्चर के साथ। और बैक साइड में इसमें आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है, लेकिन इसमें जो EIS का सपोर्ट दिया गया है वो आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम नहीं मिलता। 1080p में अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको EIS का सपोर्ट मिल जाएगा। और Realme 5 Pro में आपको क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है जिसका कि मेन कैमरा है 48 मेगापिक्सल का कैमरा सोनी के IMX586 सेंसर के साथ और इसका जो एफएचआर है ये है 1.8 एफएचआर और साथ में आपको 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा मिलता है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस। और इसका जो फ्रंट कैमरा है ये सिमिलर मिलता है Realme X के साथ में, सोनी का IMX471 सेंसर और इसका एपर्चर है 2.0, साथ में आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाता है बैक कैमरा में और इसमें भी 1080p में EIS का सपोर्ट आपको मिल जाएगा। और Realme XT में भी आपको क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको कैमरा में अपग्रेड देखने को मिलता है। और फ्रंट की तरफ आपको 16 मेगापिक्सल का सोनी IMX471 वाला सेंसर मिलता है जिसका कि एफएचआर वैल्यू है 2.0 और इसमें भी आपको बैक साइड में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिल जाएगा और इसमें भी आपको सिमिलरली 1080p पिक्सल में EIS का सपोर्ट मिल जाएगा। और तीनों में से अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा कैमरा आपको Realme XT में मिलता है, लेकिन यहाँ पे Realme 5 Pro का भी कैमरा काफ़ी अच्छा है। 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, साथ में 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा है और इसके कुछ कैमरा सैंपल्स आप देख सकते हैं। इसका डिटेलिंग काफ़ी अच्छा है, वाइड एंगल भी काफ़ी अच्छा काम करता है। तो ये आपके प्रायोरिटी के हिसाब से है, अगर आपको बेटर कैमरा चाहिए तो Realme XT अच्छा ऑप्शन है, प्राइस में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है।
2000 का ही डिफरेंस है। अब बात करते हैं प्रोसेसर की। Realme X में आपको जो प्रोसेसर मिलता है वो है स्नैपड्रैगन का 710 प्रोसेसर, जो कि एक 10 नैनोमीटर चिपसेट है, और इसका जो क्लॉक स्पीड है वो है 2.2 GHz का, और इसका जो GPU है वो है एड्रिनो का 616 GPU, और साथ में आपको यहाँ पे UFS 2.1 स्टोरेज का भी सपोर्ट मिलता है। और Realme 5 Pro में आपको स्नैपड्रैगन का 712 प्रोसेसर मिलता है, ये भी 10 नैनोमीटर चिपसेट है, लेकिन इसका जो क्लॉक स्पीड है ये Realme X से थोड़ा सा ज़्यादा है, ये 2.3 GHz का है। और इसमें जो GPU मिलता है ये सिमिलर एड्रिनो का 616 GPU है, इसमें भी आपको UFS 2.1 का स्टोरेज मिल जाता है। और Realme XT का सिमिलर है, यहाँ पे भी आपको 712 प्रोसेसर मिल जाता है 2.3 GHz क्लॉक स्पीड पे, इसका भी GPU है एड्रिनो का 616 GPU। तो गेमिंग तीनों में आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, इसमें भी आपको UFS 2.1 का स्टोरेज मिल जाएगा। तो तीनों का जो प्रोसेसर ये काफ़ी सिमिलर है, 710 प्रोसेसर और 712 प्रोसेसर के बीच में कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं है। डेली यूज में आपको कोई भी डिफरेंस यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा, और परफॉर्मेंस भी बिल्कुल आपको सिमिलर मिलेगा। तो यहाँ पे Realme X दो वेरिएंट में आता है, एक 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ, जिसका की प्राइस है 16,999, और इसका जो दूसरा वेरियंट है वो है 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ, और इसका प्राइस है 19,999। और Realme 5 Pro टोटल तीन वेरिएंट में आता है, एक 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ, और इसका प्राइस है 13,999, और एक 6GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ, और इसका प्राइस है 14,999, और एक वेरिएंट है 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ, और इसका प्राइसिंग है 16,999। और अगर बात करें Realme XT के प्राइसिंग के बारे में, तो ये भी तीन वेरिएंट में आता है, एक 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 15,999, और एक 6GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ, और इसका प्राइस है 16,999, और एक 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ, और इसका प्राइस है 18,999। तो अगर तीनों में से अगर देखा जाए तो Realme X में आपको सिर्फ एक एक्स्ट्रा फीचर मिलता है, वो है पॉपअप सेल्फी कैमरा, लेकिन इसका जो कैमरा है वही सेम 16 MP का कैमरा है सोनी MX471 सेंसर के साथ, जो कि बाकी दोनों में भी मिलता है। तो अगर आपका मेन प्रायोरिटी कैमरा है तो आप Realme XT ले सकते हैं, इसमें 64 MP का कैमरा मिलता है, जो तीनों में से बेटर कैमरा मिल जाता है आपको। लेकिन अगर आपको प्रायोरिटी गेमिंग है तो Realme 5 Pro बेस्ट ऑप्शन है, इसका कैमरा भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा डिटेल निकाल के देता है। मैं पिछले 10 दिनों से यूज कर रहा हूँ, ज़्यादा हीट भी नहीं होता, गेमिंग में काफ़ी स्मूथ चलता है, HD पे हाई सेटिंग पे चलता है, बैटरी बैकअप भी अच्छा है, फास्ट चार्जिंग आपको तीनों में मिल जाता है। लेकिन डिपेंड करता है आपका पर्सनल चॉइस पे, अगर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट चाहिए और अच्छा कैमरा चाहिए तो Realme XT अच्छा ऑप्शन है, नहीं तो इसका फेस अनलॉक भी काफ़ी फास्ट है, फिंगरप्रिंट स्कैनर काफ़ी फास्ट है, और 48 MP का कैमरा भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसका जो मेन कैमरा है 64 MP का सैमसंग का GW1 सेंसर, और इसका एपर्चर है f1.8, साथ में इसमें आपको 8 MP का वाइड एंगल कैमरा, 2 MP का डेप्थ सेंसर और 2 MP का मैक्रो लेंस मिल जाता है।